Maharaj Krishnadevaraya ki jai. Maharaj Krishnadevaraya ki jai. Maharaj Krishnadevaraya ki jai. Maharaj Krishnadevaraya ki jai. Maharaj, आज के दरबार की कार्रवाई शुरू करने से क्षमा कीजिएगा महाराज। इससे पहले कि दरबार की कार्यवाही प्रारंभ हो, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य आचार्य, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। यदि महाराज को स्मरण हो तो महाराज ने हमें अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूर्ति के लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा था, जिससे मरणोपरांत भी उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके। जी जी आचार्य, याद है। तो कोई उपाय निकाल पाए हैं आप हमारी दुविधा का? जी हाँ महाराज, के माता जी की अंतिम इच्छा हम कुछ समझे नहीं महाराज। हम बताते हैं मंत्रीवर। बात यह है कि महाराज ने हमें बताया था कि उनकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा थी कि वो रत्नागिरी के आमों का स्वाद चखे, किंतु उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने से पहले स्वास्थ्य समस्या के कारण उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। तो महाराज इस दुविधा में थे कि कैसे उनकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूरी की जाए ताकि वो अपने पुत्र होने के कर्तव्य के ऋण से मुक्ति पा सके। क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु ये कैसे संभव है? स्वर्गीय राजमाता रत्नागिरी के आम खाने के लिए जीवित तो नहीं? मृत्यु मनुष्य की होती है मंत्रीवर, कर्तव्य की नहीं। तुलुआकुल के वंश अपने प्राण दे सकते हैं परंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। महाबली सम्राट अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूरी करके वर्षों से मोक्ष के लिए भटकती उनकी आत्मा के लिए मोक्ष की राह प्रशस्त कर रहे हैं। इसके लिए हमें उनकी कर्तव्य प्रायणता का सम्मान और प्रशंसा दोनों करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं आचार्य, परंतु हमारा प्रश्न अभी वही है कि यह कैसे संभव है? स्वर्ग सुधारने के पश्चात स्वर्गीय महारानी जी की आम खाने की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है, अवश्य पूरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? हमने तो रास्ता भी निकाल लिया है। अपने ध्यान, तपस्या और तंत्र साधना की शक्तियों से अंततः हमने परलोक से संपर्क साध ही लिया और जान ही लिया कि कैसे स्वर्गीय महारानी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है। तो बताइए आचार्य, कैसे पूरी हो सकती है हमारी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा? बहुत सरल उपाय है महाराज। आप अपनी स्वर्गीय माता जी की पुण्य आत्मा के नाम पर यहाँ पंडितों को एक एक सोने का हम बांट दीजिए। आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा स्वयं पूरी हो जाएगी, क्योंकि पंडितों द्वारा ग्रहण प्रसाद का फल सीधा देवताओं को जाता है। उपाय अद्भुत है आचार्यवर। पंडितों को भोग लगाना अर्थात देवताओं को प्रसन्न करना, और देवताओं को प्रसन्न करना अर्थात सभी ऋणों से मुक्ति पाना। हमें आपका ये उपाय सहर्ष स्वीकार है आचार्यवर। हम आज ही सोने के आम बनवाने उसकी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारे इस उपाय को अवश्य स्वीकार करेंगे, इसलिए हमने क्षमा कीजिएगा, आपकी अनुमति के बिना कोषाध्यक्ष को कहकर सोने के आम बनवा लिए।
सब क्या हो रहा है बंधु? रोकना होगा इस अंधेर को। कुछ नहीं करेगा तू रामा, कोई आवश्यकता नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। अरे यहाँ लूट मची है और तू मुझे चुप बैठने को कह रहा है? नाना, मैं चुप नहीं बैठूंगा, एक काम तो मुझे भी मिलना ही चाहिए। रामा तू भी? हाँ बंधु, मैं भी। महाराज, अपने हाथ से इन सोने के आमों को स्पर्श कीजिए। अब अपने सच्चे हृदय से अपनी स्वर्गीय माता जी का स्मरण करके इन आमों को पंडितों और ब्राह्मणों में बंटवाने का आदेश दीजिए। बुड्ढा अपना बहुत बड़ा चालू है। बस मनी, तू ये प्रार्थना कर कि ये सोने के आम लेकर निकलने से पहले यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। हाँ मनी, जल्दी निकल। ओहो, आप भी यहाँ खड़े हैं? आपके विदूषक महोदय भी यहाँ पंक्ति में खड़े हैं? पंडित रामकृष्ण, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। गोत्र धर्म के अनुसार मैं भी एक पंडित हूँ, तो उस नाते सोने के एक काम पर मेरा भी अधिकार बनता है। बस वही लेने खड़ा था। खड़े नहीं थे, खड़े नहीं थे, छुपे खड़े हैं, ताकि इन्हें आम भी मिल जाए और किसको पता भी ना चले कि हमारे ये विदूषक महोदय कितने बड़े अवसरवादी हैं, लालची। महाराज, एक सोने का आम पाने के लिए अपना पद खाली छोड़कर यहाँ पंडितों के बीच में अपना अधिकार पाने के लिए खड़े, ये तो लालच की पराकाष्ठा हो गई महाराज। ये सब क्या है रामकृष्ण? हम आपको जो वेतन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जो धन देते हैं, वो पर्याप्त नहीं है क्या? पर्याप्त है महाराज, पर्याप्त से भी अधिक गुना ही होगा। परंतु परंतु क्या? मुफ्त का माल किसे अच्छा नहीं लगता महाराज। और फिर लुटेरों की नगरी में लूट कोई अपराध तो नहीं है। यहाँ सोने के आम बट रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। रामकृष्ण, होश में तो है आप? जानते भी है क्या कह रहे हैं? महाराज जी, अपमान है हमारा, आपकी स्वर्गीय माता जी का, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा का, आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा के मोक्ष साधन को बहती गंगा कह रहे हैं कि हमें लुटेरे और आपके शासन को लुटेरों की नगरी कह रहे हैं महाराज। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं महाराज, नहीं। आचार्य, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। आचार्य, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। बस पंडित रामकृष्ण, लगता है आप अपनी सीमा भूल बैठे हैं। हम सब कुछ सह सकते हैं किंतु हमारे सामने किसी साधु पुरुष का अपमान नहीं सह सकते हैं। और वैसे भी ये हमारा निजी मामला है और हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। रामकृष्ण, हमारे स्नेह, हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे हैं। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए और आज के बाद अपना यह चेहरा हमें मत दिखाइएगा। Yeah!
क्या क्या तूने रामा, फिर सब बिगाड़ कर रख दिया, सीधे महाराज से उलझ गया। मैंने तो वही कहा ना जो सत्य था। अरे ढंग होता है हर बात कहने का रामा। हाँ ठीक है ना, हो गई भूल, अब क्या फांसी पर चढ़ाएगा? फांसी तो तुझे लग कर रहेगी रामा, अम्मा के हाथों। चल तू मित्र है या शत्रु, चुप बैठ थोड़ी देर। अरे आप आ गए। हाँ वो उठा लो। क्या उठा लो? पानी का लोटा उठा लो, उठा के हाथ मुंह धो लो, मैं अभी कपड़ा लेकर आती हूँ। शारदा का व्यवहार तो सामान्य लग रहा है, लगता नहीं कि दरबार की बात अभी यहाँ पहुंची है। उठा लो। क्या उठा लो? जल की शपथ उठा लो कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। क्या आपको दरबार से निष्कासित कर दिया गया है? सच सच जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम्हें कैसे? नगर के लोग जो कह रहे हैं सब सच है। उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपनी धोती उठा लो, भागने में आसानी होगी। भागने में क्यों? अरे पीछे देखो, अम्मा खड़ी है। अरे अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। अम्मा नहीं। अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुना अम्मा। नहीं 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 अम्मा। अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, बताओ तो सही क्या कह रही है? पता था है नहीं कि आप एक जगह पर टिककर रहने वाले जीव ही नहीं हो, ये तो होना ही था। परिवार की सुख शांति देखी नहीं जाती ना आपसे। अम्मा लग जाएगी, लग जाएगी। इतनी मुसीबतों के बाद भगवान की कृपा से ये घर मिला, एक आसरा मिला, इतने बड़े महाराज का आशीर्वाद मिला, पर सब गवा दिया आपने। क्या जरूरत थी महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच में आने की? ये अच्छा है, मैं क्यों नहीं आऊं महाराज और उनकी स्वर्गीय माता जी के बीच, जबकि मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि महाराज को ठगा जा रहा है उनके माता जी के नाम पर, सोने के यहाँ बैठे जा रहे हैं। अम्मा क्या कह रही हैं? उठा लो। ये कह रही हैं? नहीं, हम कह रहे हैं पीछे पड़ा पटरा उठा लो, लाठी से बचने के काम आएगा। ये तो ये कह रहे हैं कि महाराज है वो सोने के आम दे या सोने के अंडे, तुम्हें उसके बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अरे महाराज क्यों देने लगे अंडे, महाराज है या मुर्गा? पहली बात, अंडा मुर्गा नहीं, पक 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 मुर्गी देती है। और दूसरी बात, लज्जा नहीं आती पंडितों के पूजा पाठ वाले परिवार में अंडे की बात करते हुए? जी जी जी। वाह वाह, तो अम्मा का अंडा कौन सा शाकाहारी था जो सबसे पहले ये बीच में लेकर आई? उठा लो। देखो अपनी बात बाद में करना, पहले बताओ अम्मा क्या कह रही हैं? अरे यही कह रही हैं, अपने कपड़े लत्ते उठाओ और निकलो इस घर से, इन्हें तुम जैसा मूर्ख वाचाल और बड़बोला बेटा नहीं चाहिए जो महाराज के सामने अपनी बात तक नहीं कह पाए। अम्मा चेतावनी दे रही है कि जो भी तुमने बिगाड़ा है उसे ठीक नहीं कर देते, जो भी गलत है उसे सही नहीं कर देते, तब तक अम्मा बिना पलके झपकाए बिना खाए पिए इस जगह पर धरना देकर बैठ रही है। तुम भी? नहीं, वो तो हम बस थक गए थे इसलिए बैठ गए। ये क्या मुसीबत है? क्या हुआ? इतना सन्नाटा थी? हाँ समझ गया, लामा ने फिर से कोई गोल चलाया उदारा है ना लामा? चल भाग 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 भाग। काश एक सोने का आम और मिल जाता तो ये आम सा जीवन कितना खास हो जाता। मैंने तो दोबारा कतार में लगकर अपना ये आम सा जीवन कब का खास बना लिया प्यारे। ये देख कि है, मकारी है। अच्छा वो कपटी बुड्ढा जो महाराज के साथ कर रहा है वो पुण्य हो गया और ये धोखाधड़ी हो गई, मकारी हो गई है? हाँ बात तो बिल्कुल सही है, जैसे गुरु वैसे चेले।
ऐसा नहीं कहते धनी, हमारे गुरु जी है वो। कितने महान, कितने ज्ञानी, कितने बड़े महापुरुष है हमारे गुरु जी। महापुरुष वो कौए की चोट, उस कपटी कुटिल कुपित बुड्ढे में महापुरुष कहाँ से नजर आ गया तुझे? बस कर मेरे भाई, इतने भी बुरे नहीं है हमारे गुरु जी। बुरे? अरे छुरे छुरे घोपने का मन करता उसके पेट में, ये छुरा अंदर और ये हवा बाहर। कर मेरे भाई बस कर, ज्यादा बेइज्जती मत कर अपने गुरु जी की। अरे मनी, वो तो धन की लालच में झेल रहा हूँ मैं, वो नकब का उस कपटी बुड्ढे के पैर पकड़ कर यूं घुमाता यूं घुमाता यूं। आशीर्वाद लेता आ, कहता जी गुरु जी अपना हाथ सदैव हमारे सर पे रखना, सदैव हमें अपने चरण में रखना। ए गुरु देव गुरु प्रभु परमेश्वर परमात्मा हमें सदैव चरण में रखना। अवश्य हम अभी आशीर्वाद देते हैं अपने प्रिय शिष्यों को, दोनों को आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद। चम्मा गुरुजी, चम्मा गुरुजी। हम है कौन है? वो कोए की चोट, आस्तीनों के साथ गुरुजी। हाँ, पीठ पीछे कोसते हो, अब पकड़े गए तो क्षमा मांगते हो। सोने के आम मांग रहे गुरु जी, हमें हमारे सोने के आम दे दीजिए। छोटे लोग छोटी सोच। समंदर की लहरों में मिली सीप से संतुष्ट हो जाने वाले लोगों को समंदर की गहराई में मोती नहीं मिला करते। उसके लिए अथाह गहराई में गोता लगाना पड़ता है। सोचो, यदि राजा एक काम दे सकता है तो दो दो क्यों नहीं, चार चार क्यों नहीं, आठ आठ क्यों नहीं, एक एक दर्जन क्यों नहीं। अर्थात गुरुजी? अर्थात सभी पंडितों से कहो कि अपने हिस्से का आम लेकर कल दरबार में आ जाएं। हम राजा से कहकर उन्हें एक एक आम की जगह एक एक दर्जन आम दिलवाएंगे। जय हो, सब एक झटके में माला माल हो जाएंगे। जय हो गुरुजी की जय हो। लेकिन उसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। सत्यानाश इस बुड्ढे का। क्या कहा? समय हमारे अनुकूल चल रहा है मेरे प्रिय शिष्यों। दुष्ट ग्रहों के बादल छट चुके हैं। इधर हम राजा को भावना के जाल में फंसाकर सोने के आम ऐंठ रहे हैं और उधर उस दुष्ट पंडित रामा कृष्णा को अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दिया हमने। बेचारा पंडे, उसकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी। पंडित रामकृष्ण, हमारे स्नेह हमारी उदारता को कदाचित आप कुछ और समझ बैठे हैं। निकल जाइए यहां से, अभी इसी समय जाइए और आज के बाद अपना यह चेहरा हमें मत दिखाइएगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.